वेयर इज़ द वॉल्केनिक माउंटेन माउंट सेंट हेलेंस लोकेटेड? ये जो माउंट सेंट हेलेंस है कहाँ पे है? ये यूएसए में है. वेयर इज़ वॉल्केनिक माउंटेन माउंट सेंट हेलेंस लोकेटेड? यूएसए. द सेम फेस ऑफ द मून इज़ ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ. क्या बात सही है? हाँ, द सेम फेस ऑफ द मून इज़ ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ. जो मून का जो फेस है ना, वो हमेशा सेम फेस दिखाते रहता है, पीछे वाला फेस नहीं दिखाता. सो द सेम फेस ऑफ द मून इज़ ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ. ये सही बात है. द मून रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन हाउ मेनी डेज. जो मून है वो अपने एक्सिस में कितने दिन में रोटेट करता है? 27.322 days. द मून रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस इन हाउ मेनी डेज? 27.322 days. जो मून है ना, वो अपने एक्सिस पे कितने दिन में घूम जाता है? 27.322 days में घूम जाता है अपने एक्सिस पे. व्हेन द मून फर्स्ट फॉर्म्ड इट्स रोटेशनल स्पीड एंड ऑर्बिट वेयर वेरी डिफरेंट देन दे आर नाउ. ओवर टाइम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेजुअली स्लोड द मून्स रोटेशन अंटिल इट्स ऑर्बिटल पीरियड एंड रोटेशनल स्पीड स्टेबिलाइज्ड, मेकिंग वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज फेस द अर्थ. क्या बात सही है? हाँ, देखिए, जब मून फर्स्ट फॉर्म हुआ था ना, तो उसका रोटेशनल स्पीड और ऑर्बिट बहुत अलग था जो अभी है. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ने मून के रोटेशन के स्पीड को कम कर दिया, ठीक है, रोटेशनल स्पीड को स्टेबलाइज कर दिया, ऑर्बिटल पीरियड को और रोटेशनल स्पीड को स्टेबलाइज कर दिया, और ऐसा कर दिया कि जो मून का जो फेस होता है ना, एक साइड ही अर्थ की तरफ घुमा हुआ रहता है. सही बात है. द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज़ कंपोज्ड मेनली प्राइमरली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मच डेंसर एंड हॉटर देन दैट ऑफ द अर्थ. जो एटमॉस्फेयर है वीनस का, जो एटमॉस्फेयर है वो, उसमें वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और मच डेंसर एंड हॉटर देन दैट ऑफ द अर्थ. ठीक है, और उसका जो एटमॉस्फेयर होता है अर्थ के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंसर और हॉटर होता है. द एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस सपोर्ट्स ओपेक क्लाउड्स मेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मेकिंग ऑप्टिकल अर्थ बेस्ड इन ऑर्बिटल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सर्फेस इम्पॉसिबल. जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस सपोर्ट्स ओपेक क्लाउड्स, ओपेक क्लाउड्स को सपोर्ट करता है, जो कि वो ओपेक क्लाउड्स है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का बना होता है, मेकिंग ऑप्टिकल अर्थ बेस्ड एंड ऑर्बिटल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सर्फेस इम्पॉसिबल. जो कि ऑर्बिटल ऑब्जर्वेशन जो है ना सरफेस का, वो काफ़ी इम्पॉसिबल कर देता है. तो क्या बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मच डेंसर एंड हॉटर देन दैट ऑफ द अर्थ. द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस सपोर्ट्स ओपेक क्लाउड्स मेड अप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मेकिंग ऑप्टिकल अर्थ बेस्ड एंड ऑर्बिटल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सर्फेस इम्पॉसिबल. अब कॉमन सेंस है, देखो, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी डेंस होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, काफ़ी डेंस होता है, और अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी हॉट होता है वो. तो ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेयर है वीनस का, वो ओपेक क्लाउड्स को सपोर्ट करेगा जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ रहता है, मेकिंग ऑप्टिकल अर्थ बेस्ड एंड ऑर्बिटल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सर्फेस इम्पॉसिबल. जो कि अर्थ बेस्ड ऑप्टिकल है और ऑब्जर्वेशन जो है ना, ऑर्बिटल ऑब्जर्वेशन सर्फेस का, वो काफ़ी इम्पॉसिबल है. तो एकदम सही बात है. विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फेयर, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द विंड पैटर्न्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर आर गवर्नड बाई कोरियोलिस इफेक्ट. क्या बात सही है? हाँ, जो विंड पैटर्न है ना, वो विंड पैटर्न आर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो विंड पैटर्न है वो क्लॉकवाइज होता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड पैटर्न होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंड पैटर्न क्लॉकवाइज होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में विंड पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज होता है. किस कारण से? क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन है ना विंड पैटर्न्स का, उसको कौन गवर्न करता है? वो कोरियोलिस इफेक्ट गवर्न करता है, जो कि ठीक है, कोरियोलिस इफेक्ट गवर्न करता है. जो मैक्सिमम एट द पोल्स होता है, मिनिमम एट द इक्वेटर होता है. फिर है बैलियरिक आइलैंड्स आर एन आर्किपेलेगो ऑफ स्पेन इन द वेस्टर्न मेडिटेरेनियन सी नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इबेरियन पेनिनसुला. ये जो बैलियरिक आइलैंड्स आर एन आर्किपेलेगो ऑफ स्पेन इन द वेस्टर्न मेडिटेरेनियन सी. जो मेडिटेरेनियन सी है उसके वेस्ट में, लेफ्ट साइड में जाओ, वहाँ पे स्पेन है, और स्पेन का आर्किपेलेगो जो है ना, उसको क्या बोलते हैं? बैलियरिक सी आइलैंड्स बोलते हैं. और वो कहाँ पे है? इबेरियन पेनिनसुला के ईस्टर्न कोस्ट में है. इबेरियन पेनिनसुला के
ईस्टर्न कोस्ट में, तो ऑब्वियसली जो बेरियलिक बेलियरिक आइलैंड है वो आर्किपेलागो ऑफ स्पेन है, जो कि मेडिटेरेनियन सी के वेस्ट में है और इबेरियन पेनिनसुला के ईस्ट साइड में है, ठीक है। सो बेलियरिक आइलैंड आर एन आर्किपेलागो ऑफ स्पेन इन द वेस्टर्न मेडिटेरेनियन सी नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इबेरियन पेनिनसुला। रिकैप कर दूँ, वेयर इज़ द वोल्केनिक माउंटेन माउंट सेंट हेलेंस लोकेटेड, USA। द सेम फेस ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ, क्या बात सही है, हाँ। द मून रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन हाउ मेनी डेज, 27.322 डेज। वेन द मून फर्स्ट फॉर्म्ड इट्स रोटेशनल स्पीड एंड ऑर्बिट वेयर वेरी डिफरेंट देन दे आर नाउ। ओवर टाइम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेजुअली स्लोड द मून्स रोटेशन अंटिल इट्स ऑर्बिटल पीरियड एंड रोटेशनल स्पीड स्टेबिलाइज, मेकिंग वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज फेस द अर्थ। द एटमोसफियर ऑफ द वीनस इज कम्पोज प्राइमरली ऑफ CO2 एंड मच डेंसर एंड हॉटर देन दैट ऑफ द अर्थ। द एटमोसफियर ऑफ द वीनस सपोर्ट्स ओपेक क्लाउड्स मेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स मेकिंग ऑप्टिकल अर्थ बेस्ड एंड ऑर्बिटल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सर्फेस इम्पॉसिबल। विंड पैटर्नस आर क्लॉक वाइज इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड एंटी क्लॉक वाइज इन द सदर्न हेमिसफेयर, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द विंड पैटर्नस इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिसफेयर आर गवर्न्ड बाय कोरियोलिस इफेक्ट। द बेलियरिक आइलैंड्स आर एन आर्किपेलागो ऑफ स्पेन इन द वेस्टर्न मेडिटेरेनियन सी नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इबेरियन पेनिनसुला। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।